एक लड़की की सिस्टर और उसके हस्बैंड का अफेयर हो जाता है। तभी इनकी लाइफ में हस्बैंड का एक ओल्ड फ्रेंड आया और सब कुछ कॉम्प्लिकेट हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको SLV 1989 की एक हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बिना किसी तरीके एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारी मेन कैरेक्टर जिसका नाम है एन, ये अपने थेरेपिस्ट के पास थी। वो आजकल छोटी छोटी बातों को लेकर स्ट्रेस करती है, जैसे कि इस वर्ल्ड में कितना ज़्यादा कचरा हो चुका है, इतने सारे कचरे का क्या किया जाएगा। उसका थेरेपिस्ट उसे कहता है, तुम्हें ये सब लग रहा है, इसके पीछे कोई और रीज़न होगा। एक्चुअल में उसके अपने हस्बैंड के साथ कुछ प्रॉब्लम्स थे। उसे लगता है कि उसका हस्बैंड उसे उतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देता। उसके हस्बैंड का फ्रेंड घर पर आकर रहने वाला था, पर हस्बैंड ने एन से पूछा भी नहीं। अगर ये बात उसने छोड़ दी, पर फिर भी एन को आजकल इंटीमेट होने जैसा नहीं लगता। हस्बैंड वाइफ में कोई भी सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं। थेरेपिस्ट पूछता है, क्या हमेशा से ऐसा ही था? एन कहती है, मुझे हमेशा से इंटीमेट होना इतना अच्छा नहीं लगता। मेरा हस्बैंड ही हमेशा इनिशिएट करता था, पर कुछ दिन हो गए उसने मुझ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। थेरेपिस्ट कहता है, तुम उससे डिस्टिंग रहते हो, शायद इसी वजह से यह सब हो रहा होगा। पर उसी वक्त हम उसके हस्बैंड को किसी और लड़की के साथ देखते हैं। ये लड़की और कोई नहीं तो एन की सिस्टर सिंथिया थी। एन के हस्बैंड जॉन और उसकी सिस्टर सिंथिया में अफेयर चल रहा है। ये दोनों इंटीमेट हुए और जॉन को जल्दी से यहाँ से निकलना था। उसे काम का बहाना बनाता है। सिंथिया कहती है, तुम्हें जाना है तो जा सकते हो, ऐसा कोई भी बहाना बनाने की जरूरत नहीं। जॉन कहता है कि मैं सचमुच में बिजी हूँ, आज उसका फ्रेंड आने वाला था। उसके फ्रेंड का नाम है ग्रैहम। नेक्स्ट दिन में ग्रैहम घर पर पहुंच गया। एन उसे वेलकम करती है। ग्रैहम के पास ज़्यादा कुछ सामान नहीं तो एन उसके बारे में उसे पूछ लेती है। ग्रैहम कहता है, कहीं भी रहने के लिए मुझे जो भी चीज़ें चाहिए ये सारी मेरी सूटकेस में फिट हो जाती है, उसे ज़्यादा चीज़ें रखने की ज़रूरत नहीं। इसी तरीके से अलग अलग प्लेसेस पर जाकर लास्ट 10 ईयर्स से ग्रैहम अपनी लाइफ जीता आ रहा है। एन को पर्सनली लगता है कि इस तरीके की केयरफ्री लाइफस्टाइल वो नहीं जी सकती है। जॉन के साथ शादी के बाद उसके पास घर है, जॉन के पास एक स्टेबल जॉब, ये स्टेबिलिटी उसे अच्छी लगती है। रात में जब जॉन घर पर आया तो ग्रैहम से इतने साल बाद मिला तो उसे पहचान भी नहीं पाता। ग्रैहम के कपड़े थोड़े से स्टाइलिश, थोड़े से मॉडर्न है, सही नहीं लगते। अब ग्रैहम ने डिसाइड किया था कि थोड़े दिनों के लिए वो यही रहेगा। जॉन उसे कहता है, अपार्टमेंट ढूंढने के लिए एन तुम्हें हेल्प कर सकती है। वैसे तो ग्रैहम कोई भी घर ढूंढना भी नहीं चाहता था, उसे अपनी केयरफ्री लाइफ बहुत ही अच्छी लगती है। जॉन को लगता है कि शायद ग्रैहम टैक्सेस वगैरह भी नहीं भरता। ग्रैहम ने कहता, ऑफकोर्स मैं भरता हूँ, मैं लोगों की तरह लायर नहीं, दुनिया में सबसे घटिया लोग ही झूठ कहते हैं और दूसरे होते हैं लॉयर्स। जॉन भी लॉयर है, उस पर उसने जोक किया था। अगली सीन में हम देखते हैं कि एन और ग्रैहम ये दोनों घर देखने के लिए गए हुए थे। सिंथिया हमेशा से चाहती थी एक दिन जॉन के साथ वो एन के घर में इंटीमेट हो। अब एन और ग्रैहम घर देख रहे थे तो थोड़ी देर तक घर पर आने नहीं वाले, इसीलिए सिंथिया को जॉन ने घर पर इनवाइट कर लिया। अपनी सिस्टर के घर में चोरी चोरी ये सब करना उसे एक्साइटिंग लगता है। अपनी सिस्टर के बारे में यही सब चीज़ें एन को थोड़ी भी अच्छी नहीं लगती। वो एक्सट्रोवर्ट है, केयर फ्री है, उसे जो चाहिए होता है वो सब कुछ पा लेती है। घर ढूंढने के बाद एन और ग्रैहम ये दोनों कैफे में आए हुए थे। बातों बातों में ग्रैहम एन को उसका सबसे बड़ा सीक्रेट बताने के लिए कहता है। एन कहती है कि मुझे लगता है कि सेक्स ओवररेटेड है, लोग इसे जितना इम्पोर्टेंस देते हैं शायद इसका उतना इम्पोर्टेंस नहीं। उसे कभी भी एक्साइटेड महसूस नहीं होता। ये सब बात कर कर एन को लगा कि ग्रैहम को यह सब बात समझ में नहीं आएगी, पर ग्रैहम कहता है कि मैंने एक जगह पर पढ़ा था कि औरतें उस आदमी से प्यार करने लगती है जो पहले उनसे प्यार करता है, पर आदमी जिस लड़की से हमेशा अट्रैक्टेड होते हैं उसे स्लोली स्लोली प्यार करने लगते हैं। इसके बाद एना ने पूछा कि मुझे अब तुम्हारा सीक्रेट बताओ। ग्रैहम कहता है कि जब मैं किसी के साथ होता हूँ तो उसके साथ इंटीमेट नहीं हो सकता। ग्रैहम हमेशा से ऐसा नहीं था, इसके पीछे कुछ और रीज़न है जो मूवी में हमें आगे पता चलेगा। एन उसे सजेस्ट करती है कि अगर उसे कुछ प्रॉब्लम है तो साइकोलॉजिस्ट के पास वो जा सकता है। ग्रैहम कहता है कि कोई भी स्ट्रेंजर मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानता, वो मुझे लाइफ की एडवाइस नहीं दे सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि रात में एन ग्रैहम को सोता हुआ देख रही थी। अपने नेक्स्ट सेशन में साइकोलॉजी से जब वो बात कर रही थी तो ग्रैहम के बारे में बहुत ही अच्छी चीज़ें कहती है, उसे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। अगली सीन में अपनी सिस्टर से मिलने के लिए आई हुई थी, वो उसे भी ग्रैहम के बारे में बताती है। सिंथिया को ग्रैहम बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, उसे मिलना चाहती थी
पर एन उसे मना कर देती है। उसे मालूम है कि अगर सिंथिया ग्राहम से मिले तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगी। एक दिन ग्राहम अपने घर पर एक लेडी की वीडियो टेप देख रहा था। ये एक इंटरव्यू थी जिसमें एक लेडी ने अपने सेक्सुअल एक्सपीरियंस के बारे में बताया हुआ था। तभी यहाँ पर एन आई तो ग्राहम सब कुछ बंद कर देता है। एन ने नोटिस किया यहाँ पर बहुत सारी टेप्स पड़ी हुई थी और अलग अलग औरतों के नाम इस पर थे, जिसके बारे में वो ग्राहम से पूछती है। ग्राहम ने कहा कि मेरा एक एक्सपेरिमेंट है। सबके नाम देखकर एन और भी ज्यादा इंटरेस्टेड हो गई थी। ग्राहम कहता है कि मैं अलग अलग लड़कियों के सेक्सुअल एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करता हूँ, ये उसे देखना अच्छा लगता है। एन को सुनकर बहुत ही अजीब लगा, वो तुरंत यहाँ से चली जाती है। इस बात के बारे में एन को किसी ना किसी से तो बात करनी थी, तो अपनी सिस्टर को कॉल लगाकर सब कुछ बता देती है। सिंथिया को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, उसने एन से ग्राहम का एड्रेस ले लिया। नेक्स्ट दिन में डायरेक्टली उसके घर पर वो पहुंच जाती है। ग्राहम उसे देखकर बहुत ही सरप्राइज था, उसे पूछता है तुम यहाँ आई क्यों। सिंथिया कहती है तुमसे मिलने के बाद मेरी सिस्टर बहुत ही डिस्टर्ब हो गई थी और मुझे जानना था ऐसा हुआ क्या। ग्राहम उसे सब कुछ सच सच बता देता है। टेप्स के बारे में जानकर सिंथिया भी बहुत ही इंटरेस्टेड हो गई। उसे पूछती है कि इंटरव्यू कितने टाइम तक चलती है। ग्राहम कहता है ऐसा कुछ भी फिक्स टाइम नहीं होता। सिंथिया को भी अब अपनी खुद की एक टेप बनानी थी। ये टेप बनाते वक्त उसने जॉन और उसमें जो भी रिलेशनशिप है इसके बारे में ग्राहम को बता दिया। ये सब बताते वक्त वो अपने आप को प्लीज करने लग गई थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इस सब के बारे में सिंथिया और एन ये दोनों बात कर रहे थे। एन सिंथिया पर बहुत गुस्सा हो गई कि उसे इस तरीके से कुछ भी करना नहीं चाहिए था। आज एन ने जॉन से बात करने के लिए उसके ऑफिस में कॉल लगाया था, पर वो वहाँ नहीं था। एक्चुअल में वो सिंथिया के साथ था। रात में एन इसके बारे में उसे कन्फ्रंट करती है, पूछती है क्या तुम्हारा अफेयर चल रहा है। जॉन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एन को थोड़ा सा डाउट था, शायद ये अफेयर उसका सिंथिया के साथ है। उसे इसके बारे में पूछती है तो जॉन बहुत ही डर चुका था, बट फिर भी उसे कहता है कि मैं बहुत ही मेहनत करता हूँ, हमेशा हमारे फ्यूचर के लिए काम करता हूँ, मैं सिर्फ एक क्लाइंट के साथ था, मैंने चीट नहीं किया है। ये सब सुनकर एन भी उसके पास आ गई, वो सिर्फ उसका मजाक ले रही थी। अगले दिन जब जॉन सिंथिया के साथ था तो ये सब बातें उसे बताता है। सिंथिया सुनकर बहुत हंसती है। उसने बातों बातों में वो ग्राहम के पास गई थी, वीडियो टेप बनाई, ये सारी चीजें जॉन को बता दी। जॉन इस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है वो वीडियो टेप तुम्हारे अगेंस्ट यूज की जा सकती है, इसके कंसिक्वेंसेस कुछ भी हो सकते हैं। सिंथिया को इस बात से कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों की फाइट होगी। जॉन सिंथिया से कहता है तुम ऐसा कर कैसे सकती हो। सिंथिया ने कहा तुम अपनी वाइफ की सिस्टर के साथ इंटीमेट होते हो, तुम मुझे कैसे जज करोगे। ये दोनों गुस्से में एक दूसरे से ब्रेकअप कर लेते हैं। एन जब घर की साफ सफाई कर रही थी तो उसे सिंथिया की इयररिंग मिली। वो जब जॉन के साथ इंटीमेट हुई थी तभी उसकी यहाँ गिर चुकी थी। प्रीवियस में जब एन और सिंथिया ने बात की थी तो सिंथिया ने कहा था कि मेरी एक इयररिंग गायब हो चुकी है। एन समझ जाती है कि सिंथिया और जॉन में एक्चुअल अफेयर चल रहा है। वो इस बात से बहुत ही डिस्टर्ब हो गई, डायरेक्टली ग्राहम के पास आई। उसने जॉन के बारे में उसे बता दिया। ग्राहम कहता है कि मुझे पता था, पर तुम्हें बताना ये मेरा प्लेस नहीं था। एन गुस्सा थी तो ग्राहम को कहती है कि मुझे भी टेप बनानी है। ग्राहम कहता है कि तुम गुस्से में हो, ये ठीक नहीं होगा, पर एन उसे फोर्स करती है। इसके बाद एन घर पर आई, जॉन से कहती है मुझे डिवोर्स चाहिए। जॉन पूछता है कि इतनी रात तक तुम कहाँ थी। वो बता देती है कि मैं ग्राहम के पास थी, उसने टेप बनाई। जॉन इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, वो डायरेक्टली ग्राहम के घर पर पहुंच जाता है। उसने ग्राहम को बहुत मारा पर ग्राहम यहाँ से भाग गया। जॉन फिर एन की टेप लगाकर सुनता है। इस टेप में एन ने अपनी जॉन के साथ रिलेशनशिप के बारे में कहा था। उसे पूछता है या तुम किसी और आदमी के बारे में सोचती हो। एन ने कहा तुम्हारे साथ इंटीमेट होना कैसा होगा इसके बारे में मैंने सोचा था, पर कभी भी कोई भी एक्शन नहीं लिए। एन कहती है कि वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुई थी। उसने ग्राहम से पूछा क्या तुम मेरे साथ इंटीमेट हो सकते हो। ग्राहम कहता है कि नहीं। एन कहती है ऐसा तुम्हारे लाइफ में हुआ क्या, क्या किसी लड़की ने तुम्हें हर्ट किया। जॉन कहता है कि हाँ, एक्चुअल में ग्राहम की गर्लफ्रेंड थी, उसे वो बहुत प्यार करता था। उस वक्त उसे झूठ बोलने की बहुत ही बुरी आदत थी और इसी वजह से उनकी रिलेशनशिप खराब हो गई। उसके बाद ग्राहम ने डिसाइड किया कभी भी वो झूठ नहीं कहेगा, पर अपनी इसी आदत को फाइट करते हुए उसे इतने साल लग गए। ग्राहम को बताया कि फिर से अपनी इस गर्लफ्रेंड को वो पा नहीं सकता, पर फिर भी किसी और के साथ वो रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता। ये सब बात सुनकर एन उसे कहती है तुम अब ये सब कर क्यों रहे हो,
अगर तुम अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो तो ये सब टेस्ट बनाते क्यों हो? ग्राहम कहता है कि इससे कोई भी हर्ट नहीं होता, तो इसमें बुरा ही क्या है? एन ने कहा, इससे लोगों की लाइफ बर्बाद हो सकती है। तुम्हारे मेरे लाइफ में आने के पहले सब कुछ चीजें ठीक थी। तुम जो भी करते हो इस वजह से मेरी लाइफ में इम्पैक्ट हुआ। तुम रियलाइज नहीं करते पर इससे बहुत फर्क पड़ता है। एन उसके पास गई और कहा कि मैं तुम्हें हेल्प कर सकती हूँ। ये दोनों फिर इंटीमेट हो जाते हैं। ये सब देखने के बाद जॉन अपसेट था। सिर्फ थोड़े से मजे के लिए उसने अपनी वाइफ को खो दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि उसका और एना का डिवोर्स हो चुका है। एन सिंथिया पर गुस्सा थी पर उसे पता था कि उसकी सिस्टर वैसे ही है। एक्चुअल में जॉन को ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए थी। अब थोड़ा टाइम गुजर चुका था। सिंथिया का बर्थडे आया तो उससे जाकर वो मिल आती है। उसने उसे माफ कर दिया था। अब मूवी के फाइनल सीन में एन और ग्राहम ये दोनों एक साथ थे। ग्राहम बहुत ही हर्ट था तो इसी वजह से किसी भी रिलेशनशिप में आने से डर रहा था, पर एना की वजह से आज वो बहुत ही खुश है। एन को भी ग्राहम के साथ एक अच्छा कनेक्शन महसूस होता है और वो फील भी करती है। उसके साथ सेटिस्फाइड थी और ये दोनों एक साथ बहुत ही खुश थे। इसी तरीके से मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।